आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मजे कर रहे होंगे. कोविड वापस से आता जा रहा है एंड वी आर रियली लाइक टेंस्ड अबाउट इट बिकॉज रोईशा अभी स्कूल जाना शुरू हुई है और अभी वो मेरे को आज सुबह ही बोल रही थी कि मम्मा वापस से स्कूल बंद नहीं करवाओ, मुझे स्कूल जाना अच्छा लगता है, बट वी आर नाउ वन टू लाइक डूइंग द थिंग्स. और हम लोग तो ये लगा लो कि यहाँ पे मास्क पहनना कंपलसरी, मतलब हटा दिया था, रूल हट गया था, बट हमने लिटरली मास्क नहीं उतारे थे. मैं, रोहित, मम्मी, पापा और हम लोग मास्क में ही थे. वेल ठीक है, ये सब तो चलता ही रहेगा. तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली गुड़गांव की एक ऐसी जगह के बारे में जहाँ पे आपको जो फूड लवर्स होंगे या जो खाओ लोग होंगे जिनको खाना बहुत पसंद होगा, हम उनको लिए स्पेशली उनके लिए वीडियो बनाने वाले हैं. बिकॉज गुड़गांव में मैं इस टाइम पे आई हूँ यू न्यू कॉलोनी एरिया में, और न्यू कॉलोनी में आई हुई हूँ मैं. और आप मेरे पीछे ये सामान देख रहे होंगे तो मैं एक शॉप पर बैठी हुई हूँ क्योंकि मैं अपने लिए सामान भी लेने आई थी किसी शॉप से. सो मैंने सोचा वीडियो के साथ यहीं से कर देती हूँ. सो चलते हैं आगे व्लॉग में, मैं आपको फटाफट लेके चलती हूँ, मैं वहाँ पे आई. तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला था हम आपको लेके चलेंगे, तो हम आ चुके हैं ये न्यू कॉलोनी वाली रोड पर. और ये रोड मैं आपको बता देती हूँ, ये है रतन गार्डन की कनेक्टिंग रोड. एज आप लोग देख सकते हो, ये आ रहे न्यू रेलवे रोड है ना, नहीं ओल्ड रेलवे रोड से और न्यू कॉलोनी के बीच का ये जो रास्ता है, हम लोग वहाँ से आए हैं. सो यहाँ पे राइट में पड़ता है ये ज्ञानीज, जो आइसक्रीम का बहुत तगड़ा स्टोर है, बहुत पुराना, और आप लोग सामने देख ही सकते हैं सब. ये है इस चौक का व्यू. तो हम आपको अभी देते चलते हैं सारा रिव्यू, कौन सी शॉप कहाँ पे है, कहाँ पे क्या बेस्ट चीज़ें मिलती हैं. सो चलिए. तो फ्रेंड्स, मैं कर चुकी हूँ अपना मास्क ऑन और रोहित को तो शर्म आ रही है, मैंने उसको बोला वीडियो शूट करने के लिए, इज लाइक मेरे को नहीं करनी, मैं नहीं कर रहा, तू ही कर ले. नहीं नहीं भाई, कोविड है, मास्क लगा के चल रहा हूँ मैं अभी. हाँ तो मैं वीडियो शूट करने की बात कर रही हूँ, ठीक है. आई होप आप लोगों को हमारी आवाज़ ठीक आ रही होगी, नहीं भी आ रही होगी तो हम थोड़ा सा जोर से बोलने की कोशिश कर लेंगे. सो मैं अभी स्टार्ट करती हूँ एक कॉर्नर से जो कि KDH वाली लाइन है. अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये है ये जो गली आप लोगों को दिख रही होगी, ये आइसक्रीम पार्लर के साथ में गली जा रही है, ये KDH की लाइन है. KDH के समोसे यहाँ काफ़ी फेमस है. सो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं. मैंने न्यू कॉलोनी में ज़्यादा कुछ ट्राई नहीं किया है, बट जो भी किया है मैं आपको दिखाती हूँ. तो मैं आपको फर्स्ट दिखाती हूँ अपना ठेला कहूँ या काउंटर कहूँ या, तो ये है, चल रहे हैं ना हम ठेले के पास. तुम्हें जल्दी किस बात की हो रही है, किस बात की जल्दी हो रही है, ये बोल रही है, मेरे को डर लग रहा है लोग क्या कहेंगे. नहीं नहीं, एक्चुअली सब लोग खा रहे हैं ना और सब हमें देख रहे हैं कि हम क्यों लोगों को शूट कर रहे हैं, बट यस हमारा काम है शूट करना, सो हम वो करने आए हैं. तो ये है स्पेशली मोमोज का जंक्शन एंड इसका नाम है यमी S2 स्पेशल मोमोज. यहाँ पे मतलब ये लगा लो कि मैंने हार्डली एक डेढ़ महीना पहले मोमोज खाए थे और आई वॉज रिग्रेटिंग कि मैंने आज तक यहाँ के मोमोज क्यों नहीं खाए थे, जबकि मेरे घर के सबसे पास अवेलेबल चीज़ है मोमोज खाने के लिए ना. तो मैं आपको दिखाती हूँ इस भैया के पास कौन कौन से कैसे कैसे मोमोज अवेलेबल हैं. चलिए सर भाइये मोमोज चलते, कैसे बना रहे हैं वो भैया और कैसे सर्व कर रहे हैं. ये कैसे दिखाऊंगा यार, उस भैया रेडी कर रहा होगा प्लेट, उसकी प्लेट पे फोकस करना है हमें. रिकॉर्ड चल रहा है, वीडियो चल रही है. देखो अपनी गाड़ पर इधर से देखो. तो ये भैया लोगों ने चटनी रेडी कर रखी है, पैकिंग होती है बहुत सारी, बहुत टेस्टी मोमोज बनाते हैं हमारे भैया ये. इसी बात पे भी एक मोमोज मिलेगा रोहित भैया, काम सही है आज एकदम. हां जी, ये इस तरीके की पैकिंग है और ये टॉपिंग्स देते हैं ओरिगानो के साथ, मतलब आप लोग मना कर सकते हो जो नहीं खाते हैं, वैसे ज्यादा खाते ही हैं. तो चलिए हम चलते, बाकी कुछ इस तरीके के ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे विद रेट्स आप देख सकते हैं. ये नेक्स्ट काउंटर है इसी मोमोज वाले भैया के बिल्कुल पास में ही, एंड ये द फैशन स्टूडियो के बिल्कुल नीचे है. और यहाँ पे ये फ्लैट ही फ्लैट भी कुछ लिखा हुआ है, किसी ने लेने हो तो आ जाओ. बाकी ये मुंबई का फेमस लाइक भेलपुरी, झेलपुरी, भेलपुरी क्या बोलते हैं, हाँ वो रही, भेलपुरी, सेवपुरी और बटाटा पूरी. सो देखो भैया बना रहे हैं, जाके प्लीज दिखाइए कैसे बना रहे हैं भैया. ये देखो भैया बना रहे हैं भेलपुरी एकदम. हां जी 70 रुपए मेरे को ना बिना चटनी हो, मतलब प्लेन बना दो सूखी ड्राई बिल्कुल, ठीक है. अब मेरे को ना मतलब बिना चटनी की फाइनली लतीशा का मन कर गया है.
मेरा एक्चुअली कुछ चटपटा खाने का मन हो रहा है, मतलब मोमोज लेके मन कर रहा था, बट मोमोज ना थोड़ा सा मतलब जंक में आ जाता है और मैदा होता है और मैं अवॉइड करती हूँ कि मैदा ना खाऊं। ये तो बहुत सेफ है ना, मतलब ये इतना ज्यादा मैदे जैसा ये तो आटे का बना हुआ है। आई कैन ट्राई। अरे बेसन की भुजिया होती है और वो होती है मुरमुरे। ये बन चुकी है हमारी कस्टमाइज्ड भेलपुरी गाइस, अब ये मैडम टेस्ट करके बताएंगे। मैं अभी खा के बताऊंगी, वो मेरा लिटरली नींबू का पानी है। ये रिव्यू करेंगे अब। बोल सो फ्रेंड्स, मैंने मुझे ये चेक करने को बोला है, आप ही खा लो प्लीज, चेक करके बताओ कितनी लगी। बिल्कुल खट्टी। As always, जो चाहिए। I love खट्टा। गला खराब है, मैं नहीं खाऊंगा। ओह देखो आप ये कह रहा है, मैं नहीं खाऊंगा। ये सारी यही खाने वाला है क्योंकि मेरे को मिर्ची लग रही है इसमें और मेरी जीभ पे ना दो तीन दिन से मुझे एक्चुअली मिर्ची फील हो रही है। एक बंदे को दान कर देते हैं। सो फ्रेंड, भेलपुरी खाते खाते टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं आपको आसपास के और स्टोर्स दिखाती हूँ जो यहाँ पे थोड़े से मतलब थोड़े दिन काफ़ी फेमस हैं, जहाँ से इवन मैं खुद अपने लिए सामान लेना पसंद करती हूँ। तो मेरे बिल्कुल ही सामने केक इनोवेशन है, जहाँ पे हर वैरायटी का केक मिलता है। स्पेशलिटी एगलेस है, आजकल हर जगह मोस्टली एगलेस केक मिलते हैं, तो किसी को पूछना नहीं पड़ता एटलीस्ट कि हाँ ये एगलेस है कि नहीं है। सो लेट मी शो यू। तो इसी भेलपुरी वाली भैया के बिल्कुल सामने ये है केक इनोवेशन, और यहाँ पे बॉम्ब केक और स्मैश केक और वो हथौड़े वाला केक जिसको बोलते हो वो केक, और बहुत सारे बेकरी आइटम्स भी मिलते हैं, आप लोग ये चेक कर सकते हो। एंड बिल्कुल इसी के साथ में यहाँ पे यह है मूड मसाला, जो ये भैया आज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज़ वो विंटर्स में सूप पिलाते हैं बहुत मस्त, और अदरवाइज़ मैगी मैक्रोनी ये सब उनका चलता है काफ़ी अच्छा। उनके बिल्कुल ही साथ में है लाजवाब चाप प्रेस, उनकी चाप इज़ अमेजिंग। मैं और रोईशा इनकी चाप बहुत शौक से खाते हैं, और रोईशा खाती है वाइट चाप, मैं खाती हूँ ड्राई चाप एज यूजुअल नींबू मसाला वाली। सो अभी आगे चलते हैं, मैं आपको और दिखाती हूँ। तो अभी करते हैं अपने अपने मास्क ऊपर और आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट जगह पे फटाफट से। ये सामने है फ्रेंड्स बर्गर एक्सप्रेस, यहाँ पे आपको डिलीशियस डिलीशियस बर्गर्स मिल जाते हैं और कोल्ड कॉफ़ी मेरी फेवरेट, यहाँ पे काफ़ी अच्छी बनाते हैं, मतलब ठीक है, कहीं और से बढ़िया है कि हाँ मिल जाती है अच्छी। ये दिस इज़ द ओम स्वीट्स, ओम स्वीट्स का नाम तो सबने सुना ही होगा। सो फ्रेंड्स ये है ओम स्वीट्स, हम बाहर आ चुके हैं ओम स्वीट्स से, मैंने फ्रूट केक खाया बहुत ही यमी था, 15 रुपये के 2 पीस थे बट यमी थे, वर्थ थे। ये है पंजाब जंक्शन, यहाँ पे काफ़ी पंजाबी टाइप क्लासिक स्पाइसी फूड मिलता है, हमने ट्राई किया हुआ है एक दो बार बट काफ़ी स्पाइसी होता है। सो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, इस रोड पे आप और आगे चलते जाएंगे तो और एक केक शॉप आती है काफ़ी बढ़िया बहुत फेमस, द केक बेक, आपने वो भी सुना होगा। एंड इस तरीके से यहाँ पे ये सब है, आप देखते जाइए। तो ये गाइस बर्गर एक्सप्रेस, इट्स यमी, ये है वन ऑफ द फेवरेट प्लेस हमारी, बहुत अच्छे अच्छे बर्गर्स अच्छे हैं, बहुत रीजनेबल प्राइस पे आप लोगों को मिल जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट बर्गर्स और कोल्ड कॉफ़ी। और नया यहाँ पे हमें पता चला था क्रिस्पी कॉर्न का, हम लोग 2-3 दिन से वो डेली मंगा के खा रहे हैं। कितने का एक तो? ऑल टाइप्स ऑफ शेक्स एंड लेमनडेज भी अवेलेबल है, बाकी यार प्राइस वाइज एकदम मस्त है, कोई इशू नहीं है, इतने ज्यादा महंगे नहीं है, 90 रुपए की सिर्फ आपको क्रिस्पी कॉर्न यहाँ पे मिल जाते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं। हाँ, मतलब काफी कटोरी भर के होते हैं कि किसी का भी आराम से इजीली पेट भर जाए और फील हो जाए कि हाँ कुछ खाया है। बाकी ये सब है यहाँ पे फैंसी क्लोथिंग स्टोर्स, रबानी डोगा एंड विद गिफ्ट गैलरी, और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें एक और ऑप्शन मिल जाता है खाने के लिए जो कि है बर्गर सिंह। बर्गर सिंह आप देख पा रहे होंगे, बर्गर सिंह बिल्कुल सबवे के पास में है, यहाँ पे भी आपको बर्गर स्पेशलिस्ट काफ़ी सारे मिल जाएंगे, बट यार हम तो सिर्फ बर्गर एक्सप्रेस के ही खाते हैं, बर्गर सिंह का भी अच्छा है बट बर्गर एक्सप्रेस का ज़्यादा अच्छा लगा हमें। तो डू विजिट न्यू कॉलोनी, वन ऑफ द फूडी हब फॉर फूडीज इन गुड़गांव, ओल्ड गुड़गांव में पॉपुलर स्ट्रीट कह सकते हो आप इसको, इस टाइम पे काफ़ी हैपनिंग होती है,
काफ़ी लोग यहाँ पे खाने पीने आते हैं और मस्त तरीके से खाते पीते हैं. सो डू विजिट दिस रोड, डू एंजॉय द फूड्स और द चाट पकौड़ीज और द मोमोज और व्हाटएवर यू वांट टू हैव. स्टे ट्यून्ड. आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और खूब पेट भर के आपने खाया होगा हमारे साथ जो जो हमने आपको दिखाया होगा. सो स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन. और आप लोग हमें और भी जगह बता सकते हैं जिनको हम एक्सप्लोर करें या आप चाहते हैं कि हम उन पर जाके एक्सप्लोर करें उनको और आपके लिए वीडियोज बनाएं. तब तक के लिए बाय बाय. बाय बाय. राम राम. बाय बाय.